हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक्सरसाइजेस के बारे में, जो आफ्टर सी सेक्शन हमें करना है। एक्सरसाइजेस एंड डाइट एंड वेट लॉस कैसे करना है। सो करेंटली मुझे ऑलमोस्ट 2.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं सी सेक्शन को, तो अब मैंने अपनी एक्सरसाइजेस एंड वेट लॉस रूटीन जो है शुरू कर दिया है। सो काफ़ी सारी वीडियोस और काफ़ी कुछ देखने के बाद उनमें से चूज़ करके मैंने अपने लिए जो है रूटीन चूज़ किया है, रूटीन सेलेक्ट किया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। सो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हमें कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं और कौन से नहीं करने। तो बेसिकली हमें हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं, या जिन एक्सरसाइजेस पे हमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी वो नहीं करने, क्योंकि अभी हमें एनर्जी गेन करके रखनी है। काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ होता है इस वजह से। सो बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ होने वाली एक्सरसाइजेस, बहुत ज़्यादा थकने वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, जस्ट लाइक कार्डियो एक्सरसाइजेस, जुम्बा, ये सब नहीं करना है जिसमें झटके पड़े आपके टमी पे, आपके स्टिचेस पे। ऐसे एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नेक्स्ट, जंपिंग नहीं करनी है, रनिंग नहीं करनी है, इवन सीढ़ियाँ चढ़ने की जो एक्सरसाइज होती है, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, वो भी हमें नहीं करना है, बिकॉज उससे हमारे बैक पे काफ़ी असर पड़ता है। एंड वो भी अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उससे घुटनों पर भी असर पड़ता है, इसलिए सीढ़ियों वाली एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। आई एम स्वेटिंग अलॉट बिकॉज मैं भी अपनी एक्सरसाइज पूरी करके टेरेस पे आई हूँ। नेक्स्ट, बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं, लाइट एक्सरसाइजेस करनी है, और जो भी एक्सरसाइज पेट के बल हो, पेट के बल लेटने वाला, जिसमें पेट दब रहा हो या फिर पेट पे प्रेशर पड़ रहा हो, ऐसी एक्सरसाइजेस भी हमें बिल्कुल नहीं करनी है। एटलीस्ट 6 महीने तक इन सारी एक्सरसाइजेस को हमें अवॉइड करना है। सो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने day 1 से, मतलब डे बाय डे की एक्सरसाइज वीडियो जो है शूट करूँ। इस वक्त मैं अपने मायके में हूँ और सेटअप नहीं है मेरे पास यहाँ पर, और लॉकडाउन हो चुका है इसलिए अभी काफ़ी दिन यहीं रहने वाली हूँ। सो यहीं मैंने शूट कर लिया, एंड अगर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है एक्सरसाइज शूट में, सो अगर वो अच्छे से ना हुआ हो तो मैं कुछ दिनों बाद दोबारा शूट करके उसे अपलोड कर दूँगी इस वीडियो, इस चैनल पे। एक्सरसाइजेस के लिए रूटीन बना लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट लाइक day 1 पे आर्म्स के लिए एक्सरसाइज कर लिया, day 2 पे थाइस के लिए कर लिया, day 3 पे हिप्स एंड लेग्स एक्सरसाइज कर लिया, इस तरीके से अगर आप एक टेबल बना ले, टाइम टेबल चार्ट बना ले अपने लिए एक्सरसाइजेस का, देन इट्स मच मच बेटर, एंड आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अपने रूटीन बनाने में एंड अपने वेट लॉस करने में, और ज़्यादा थकान भी नहीं होगी एंड ईजिली आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। एक और बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें ऐसा माइंड सेट बना के रखना है कि 2 महीने में वेट लूज़ नहीं होगा। जो इन 9 महीने की प्रेगनेंसी एंड देन 1.5 महीने का आराम, तो जो ये 10-11 महीनों में वज़न बढ़ा है वो 2 महीने में कम नहीं होगा। अगर 10-11 महीने वज़न बढ़ने में लगे हैं तो 10-11 महीने आप वज़न घटाने में भी लीजिए। बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है कि 6 दिन में 2 किलो वज़न कैसे कम करें। ढेरों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनकी बातों पे नहीं आना है कि 10 दिन में मुझे 10 किलो कम करना है। सी, वी आर नॉट लूजिंग आवर वेट नॉर्मली, ओके। हमें खुद भी एनर्जी चाहिए और बेबी के लिए भी फीड कराने के लिए चाहिए, तो हमें बहुत ही सोच समझ कर वेट लॉस एंड डाइट प्लान चूज़ करना है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, और ऑब्वियसली 1 साल का वक्त दीजिए खुद को। अभी मुझे एक्सरसाइजेस करते हुए 1 महीना हो चुका है, और इस 1 महीने में मैंने सिर्फ अभी 1 kg ही लूज़ किया है, और लेकिन इंचेस लूज हुए हैं, यस, वज़न मेरा सिर्फ 1 किलो कम हुआ है, लेकिन
फैट कम हुआ है, कहीं पे आधा इंच कम हुआ है, कहीं पे एक इंच कम हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका वज़न जल्दी जल्दी कम हो। किसी किसी के इंचेस जल्दी जल्दी कम होते हैं, किसी के वज़न जल्दी कम होते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज काफ़ी टाइम बाद शुरू करते हैं तो हमारा मसल स्ट्रांग होना शुरू होता है, इस वजह से हमारे जो वेट है वो जल्दी कम नहीं होता है, लेकिन फैट कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि एवरी 15 डेज़ पे हम वज़न चेक कर रहे हैं और बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, इस पे आपको टेंशन नहीं लेना है। एक्सरसाइजेज शुरू करने से पहले आप अपना वेट और मेजरमेंट दोनों जो है नोट करके रख लीजिए, एंड एवरी मंथ आप अपनी मेजरमेंट चेक कीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। अगली बात है, एक्सरसाइज एकदम से शुरू नहीं करनी है। 40 दिनों का आराम करना होता है, और मेरी डॉक्टर ने तो मुझे 10 दिन बाद ही बोल दिया था आप वेट लॉस शुरू कर दो, बट क्योंकि मैंने अपने मॉम्स एंड आंटीज़ एंड सासू मॉम सबकी बात सुनी, सो दे टोल्ड कि हमें 40 डेज़ का आराम बहुत ज़रूरी है सी सेक्शन के बाद, क्योंकि बैक काफ़ी कमज़ोर होती है। सो 40 डेज़ में भी 2-4 किलो और बढ़ जाता है, दिन भर आपको बेड पे रहना है, बैठे रहना है, लेटे रहना है, तो वज़न तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, और पेट भर खाना खाना होता है। तो ये जो 2 से 4 किलो और बढ़ा होता है वो भी कम करना है। सो 40 दिनों बाद आप सिर्फ वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए। 1 हफ्ते तक आप नॉर्मल स्पीड में, जिस स्पीड में हम कहीं आना जाना करते हैं उसी स्पीड में आपको चलना है, और सिर्फ 20 मिनट दिन में, 20 मिनट 1 हफ्ते तक आप ये कीजिए। 8वें दिन से आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, टाइम 20 मिनट ही रखिए। फिर 3रे हफ्ते से आप स्पीड और बढ़ा लीजिए और टाइम भी 10 मिनट बढ़ा लीजिए। तो ये 15 दिनों तक आपको सिर्फ वॉकिंग करनी है। 16वें दिन से हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि तब तक हमें ऑलमोस्ट 3 महीने, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीने हो जाते हैं। तो 2.5 महीने कंप्लीट होने के बाद आप लाइट एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं, एंड 3 महीने पूरे होने के बाद हम उन एक्सरसाइजेस की जो रेप्स है, रिपीट्स है, उसे बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी जो हम एक एक्सरसाइज 5 से 6 बार कर रहे हैं उसे 10 बार कर सकते हैं। थोड़ा एनर्जी लेवल हमारा बढ़ते जाता है, एवरी मंथ हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से हम अपने एक्सरसाइज की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइजेज नहीं करने हैं, कार्डियो है, हैवी एक्सरसाइजेस है, पेट पे प्रेशर पड़ने वाली एक्सरसाइजेस है, ये 6 महीने तक बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, मैंने बहुत वीडियोस वगैरह सब देख के अपने लिए कुछ चूज़ किया है जिनमें, एंड ट्राई किया है कि इससे मुझे बिल्कुल भी हैवीनेस महसूस नहीं हो रही, बिल्कुल भी झटके नहीं पड़ रहे हैं स्टिचेस पे, एंड बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ रहा है। ये सारी एक्सरसाइजेस चूज़ करके मैंने स्टार्ट की है, सो मैं वो धीरे धीरे इस पर अपलोड करती जाऊँगी। अब बात करते हैं डाइट की। सो अगर आप वेट लॉस में थोड़ा सा अच्छा रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से कीजिए। ऑब्वियसली सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, 1 महीने तक गर्म पानी पीना होता है, बट आप ये गर्म पानी पीना जब तक आप कंटिन्यू रख सकते हैं तब तक कंटिन्यू ही रखिए, ठंडा पानी शुरू मत कीजिए। क्योंकि गर्म पानी से काफ़ी अच्छा डाइजेशन होता है, और अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो ये हमारी बेबी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि बहुत से बेबीज़ होते हैं जो कॉलिक होते हैं, सॉरी, बहुत जल्दी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना, अच्छा मीन्स टेस्टी नहीं, हेल्दी खाना, अगर हम अच्छा अच्छा टेस्टी खाना अवॉइड करके हेल्दी खाना खाएंगे तो वो हमारे बेबी के लिए भी अच्छा होगा। एंड डजंट मीन कि डाइट का मतलब है कि आप खाना कम कर दें, बिल्कुल नहीं। आपको खाना तो है, पेट भर ही खाना है, सिर्फ कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे कम करनी है, धीरे धीरे अवॉइड करनी है। जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करना है, जो जो खाना खाने से आपको भी एसिडिटी हो रही है या गैस हो रही है आपको पता होगा, वो चीज़ें आप मत खाइए, उससे आपके बेबी को भी एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। और हैवी फैट वाली चीज़ें जस्ट लाइक फ्राइड आलू,
मैदा, शक्कर, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे अवॉइड करनी है। मीठा खाने का मन है तो हम गुड़ वाली चीज़ें खा सकते हैं, जागरी वाली चीज़ें खा सकते हैं। और पानी एटलीस्ट हमें जितने बार खाना खा रहे हैं ना, खाना खाने के बाद हम अगर गर्म पानी पी लेंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर डाइजेशन अच्छा है तो वेट लॉस में भी आसानी होती है, और साथ ही साथ हम दिन भर कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए गर्म पानी तो पीते रहना है। एंड यस, वेट लॉस ड्रिंक, वेट लॉस चाय, वेट लॉस ग्रीन टी, ये सारी चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं देना है 6 महीने तक। कौन सी चीज़ कितना इफ़ेक्ट कर रही है ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए 6 महीने तक हमें ये सारी चीज़ें, जो स्पेशल ड्रिंक्स वगैरह है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। 6 महीने तक हमें नॉर्मल अपना डाइट रखना है, नॉर्मल घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, और नॉर्मल ब्रेकफास्ट जिसमें मैदा ना हो और शक्कर ना हो। ये दो चीज़ें भी अगर आप अवॉइड कर लेते हैं तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से हो जाता है। हालांकि ये दो चीज़ें अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप कम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। शुगर फ्री ग्रीन जो आजकल आता है न्यू, काफ़ी 1-1.5 साल से आ रहा है और मैं 1-1.5 साल से उसे ले रही हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं उसे लेती थी, तो आप वो ले सकते हैं, शुगर फ्री ग्रीन। यहाँ मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। ये आप बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है शक्कर के लिए। अगर आप रोज़ चाय पीते हैं तो रोज़ का 1 चम्मच शक्कर हमारे शरीर में जा रहा है, अगर आप ये शुगर फ्री डाल देंगे शक्कर की जगह पे तो आपके चाय का टेस्ट भी नहीं बदलेगा और आपको मीठा का टेस्ट भी आएगा और बिल्कुल भी कैलोरी नहीं जाएगी आपके अंदर। तो रोज़ की चाय के लिए आप ये शुगर फ्री ट्राई कर सकते हैं। कोई मीठी डिश में आप थोड़ा बहुत इसे डाल सकते हैं, अगर ये ज़्यादा डाल दो तो मीठे डिश का टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगी। बट रोज़ की चाय या फिर रोज़ अगर आप दूध या कोई शेक पी रहे हैं उसमें अगर आपको शक्कर की आदत है तो आप ये शुगर फ्री ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक्सरसाइजेस करने से पहले आप गर्म पानी पी लीजिए, अगर आपने सुबह सुबह गर्म पानी पिया है और तुरंत आप एक्सरसाइज कर रहे हैं देन इट्स ओके, और अगर आपके एक्सरसाइज करने का टाइम कुछ और है देन आप फिर से गर्म पानी पी लीजिए एक्सरसाइज से पहले, ऐसे पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। एंड यस, अपना मैटरनिटी बेल्ट आपको ज़रूर लगाना है, 2 महीने तक तो आपको 2400 घंटे लगा कर रखने हैं, 2 महीने बाद हम उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वॉकिंग पे जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त आप मैटरनिटी बेल्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे हमारी कमर जो है थोड़ी सीधी रहती है, थोड़ी नहीं पूरी सीधी रहती है, बहुत बहुत हेल्प मिलता है हमें एक्सरसाइज करने में, हमारे पोस्चर एंड बॉडी पोजीशन ये सब काफ़ी अच्छे से हो जाता है अगर हम मैटरनिटी बेल्ट लगा कर रखते हैं, हमसे पोस्चर में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो इसलिए बेल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एक्सरसाइज करने से पहले आप बेल्ट ज़रूर लगा लीजिए, और एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आपको पानी पीना है तो गर्म पानी पीजिए, एक्सरसाइजेस के बीच में अगर आपको पानी पीना है तो सिप सिप करके गर्म पानी ही पीजिए, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा। एंड बाकी टाइम आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, ठंडा या फ्रिज का पानी अवॉइड कीजिए, नॉर्मल पानी या गर्म पानी ही दिन भर लीजिए तो इट्स बेटर। डाइट में हम कुछ हेल्दी चीज़ें ले सकते हैं, जस्ट लाइक ओट्स है, दलिया है। सो ओट्स की रेसिपी मैंने इस वीडियो में शेयर की है, बिल्कुल शुगर फ्री वाली बट स्टिल इन टेस्टी वे, सो बहुत ही टेस्टी लगता है, मैं रोज़ ब्रेकफास्ट में वही ओट्स खा रही हूँ, एंड इससे पेट भी भर जाता है, काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं तो हमारी बॉडी को काफ़ी एनर्जी एंड फाइबर्स मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स ये सब जो भी चीज़ें हम प्रेगनेंसी के दौरान खा रहे थे वो सारी चीज़ें हमें अभी भी खानी है, सिर्फ शक्कर नहीं खाना है। और
ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स खाने में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो रोज़ खाना ही है, क्योंकि बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा फाइबर एंड प्रोटीन की ज़रूरत है। डाइट में ये चीज़ें आप ज़रूर शामिल कीजिए और घर का खाना खाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा खाने में। जस्ट लाइक नॉर्मल वेट लॉस के लिए जैसे हम डाइट करते हैं वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 6-7 महीने तक तो हमें बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर खानी पीनी होती है, क्योंकि किस चीज़ से मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सी चीज़ उसे नुकसान पहुंचा रही है, ये भी देखना पड़ता है। हम दलिया खा सकते हैं, दलिया खाने से मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। तो आप रोज़ एक टाइम दलिया खाइए, चाहे आप मीठी वाली खा लीजिए या सॉल्टी वाली खा लीजिए, जैसी आपको पसंद हो। गेहूं का दलिया, ओके, चावल वाला नहीं, गेहूं का दलिया खाइए। और अल्टरनेशन में भी कर सकते हैं, जैसे कि आज ओट्स खाया, कल दलिया खा लिया, या फिर जैसी आपकी मर्ज़ी, आप अपना डाइट प्लान। बट आप शुरू करने से पहले अपना डाइट प्लान एंड एक्सरसाइजेस का टाइम टेबल आप बना कर रखिए। 7 दिन का, 7 डेज़ के लिए 7 एक्सरसाइजेस है, डे 1 डे 2 अलग अलग। मैं बता दूंगी एक्सरसाइजेस की वीडियोस, मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है। थोड़ी जगह की शॉर्टेज है एंड थोड़ा सा सेटअप यहाँ पे गड़बड़ है, तो अगर पॉसिबल होता है तो मैं यहीं शूट कर लूँगी, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं वापस जाने के बाद एक्सरसाइजेस की वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे मैं हेल्दी ब्यूटी एंड यही सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। एंड आई हैव अनदर्स यूट्यूब चैनल जिसमें मैं मेकअप एंड खुद की स्किन केयर वगैरह वाली वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। वो चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।